की उपलब्धि जो हमारी सरकार की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके लिए चार लोकसभा क्षेत्र में प्रयागराज, यमुनापार, जो फूलपुर, प्रतापगढ़ और अमेठी, इसमें कल दो लोकसभा में मैं गया। आज प्रतापगढ़ और अमेठी के अंदर आज दो कार्यक्रम वो है, और यहाँ जो हमारी सरकार की उपलब्धि है, इस पूरे इलाके में लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि इतना सुंदर मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन मोदी जी की कृपा हुई, योगी जी का पराक्रम हुआ, और हमारे सांसद जी, विधायक जी, हमारी पूरी टीम यहाँ पर प्रतापगढ़ में जो विकास की रोशनी आई वो मोदी जी के प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद आई। प्रतापगढ़ में नेता तो बहुत हुए, लेकिन प्रतापगढ़ आज चारों तरफ से रोड बन रहा है, बाईपास बन रहा है। 12 तारीख को नितिन गडकरी जी, योगी जी आने वाले हैं, 4000 करोड़ का काम उसकी शुरुआत होगी, और प्रतापगढ़ भी तरक्की के रास्ते पर जाएगा। ये पूरा इलाका जो कांग्रेस के दौर में अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, ये सब पूरा इलाका, यहाँ से बड़े बड़े नेता हुए लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, और जो काम हो रहा है वो हमारी सरकार में हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 9 साल हैं वो ऐसे 9 साल हैं कि जिन लोगों को अकल आई है, चाहे वो किसी भी दल में हों, उनको लग रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, इस इलाके में जीवन को संवार कर दिखाया। और योगी जी भी जब से मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में अमन चैन है, किसी को कोई दुश्वारी नहीं, जो कानून कायदे पर चलेगा, चाहे वो किसी जाति का हो या किसी धर्म का, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो कानून कायदे पर नहीं चलेगा, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसको दिक्कत आने वाली है।